चलिए यही देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तक देख लिए थे ना, अब बिंदुसार देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने उपरांत बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, कौन बैठा? बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। क्या किया? मगध की गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में समलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग कर दिया था। तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा कब? 298 ईसा पूर्व में। क्लियर है यहाँ तक? बिंदुसार की माता दुर्धरा थी, दुर्धरा थी ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का शादी किया था, उसमें पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिसका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार ही मगध की गद्दी पर बैठा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को वायु पुराण में, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। यानी बिंदुसार का एक और नाम क्या है? भद्रसार, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? वायु पुराण में। इसके जैन धर्म में, जैन धर्म की पुस्तकों में से सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का एक नरेश था, सीरिया, सीरिया समझ रहे हैं, सीरिया देश, सीरिया देश का नरेश है, जिसका नाम है एंटियोकस, एंटियोकस। इसने, इसके दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, यानी मगध में डाइमेकस को भेजा था। किसको भेजा था? डाइमेकस को। डाइमेकस को ही मेगा सनिज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में मेगा सनिज का उत्तराधिकारी कौन है, डाइमेकस। मेगा सनिज का उत्तराधिकारी कौन है? डाइमेकस। आर्यभास्कर में मेगा सनिज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका नामक की पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत को बताया कि यहाँ पे 7 प्रकार के लोग रहते हैं, 7 वैरायटी में बांटा था। हाँ, यहाँ पे लिखना पसंद नहीं करता, पढ़ना इंटरेस्ट रखता है। यहाँ तक क्लियर है? बिंदुसार एंटियोकस है, सीरिया का नरेश है ना, एंटियोकस, तो यहाँ तक दिख रहा है इसमें, तो सीरिया का जो नरेश है एंटियोकस, उससे बिंदुसार क्या मांगा? मदिरा मांगा, बोला कि भाई मदिरा दे दो, मदिरा समझते हैं ना, दारू, सूखा अंजीर, सूखा अंजीर, और क्या मांगा? दार्शनिक मांगा। दरवाजा बंद है क्या क्लासरूम का? जी, उसको खोल दिया करिए, हवा ठंडा लगता है। अरे महाराज, आप लोग पता सा है का? का मांगा? मंदिरा मांगा, मंदिर मांगा और दार्शनिक मांगा, ये दोनों दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। यहाँ तक क्लियर है? बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में, तक्षशिला में दो विद्रोह हुआ, ठीक है, कई वो विद्रोह हुआ, दो विद्रोह। तो विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले भेजा सुसीम को, अपना बड़का बेटा, ठीक है, इसका बड़ा बेटा था कौन? सुसीम। सुसीम को भेजा, तो विद्रोह दबाने में असफल रहा, विद्रोह नहीं दबा पाया, नहीं दबा पाया। तब अपना छोटा बेटा को भेजा, छोटा बेटा अशोक को भेजा, ठीक है, छोटा बेटा अशोक को भेजा। जिस समय अशोक को भेजने वाला था, उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था कौन? अशोक। अशोक जब गया, तो चूंकि वो क्रूर था, शुरू में भयंकर टाइप का था, तो वो अपने क्रूरता से विद्रोह को क्या किया? दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। कौन दबाया? अशोक। कल्हण नामक एक इतिहासकार हुए हैं, कल्हण नाम,
जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है। राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे इतिहासकार का पुस्तक के बारे में चर्चा करते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा कि किसने कौन सा पुस्तक लिखा है। तो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है, विशाखा दत्त ने कौन सा लिखा था? मुद्राराक्षस, ठीक है ना। मेघासनी ने क्या लिखा है? और चाणक्य ने क्या लिखा है? धीरे धीरे आपका होते जा रहा है, ठीक है। तो कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखा, उसमें कहा कि भाई श्रीनगर है ना, श्रीनगर देखे है, देखे है, श्रीनगर की स्थापना इस बुक में चर्चा किया गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया है? अशोक। किसने किया है? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हो जाती है। जब 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तब उसका छोटा बेटा अशोक मगध की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए yes, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अशोक को देखेंगे। कल्हण इतिहासकार राइटर हुए हैं जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की, क्लियर है। उस पुस्तक में अशोक को कहा गया है कि उन्होंने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, क्लियर। आइए देखते हैं बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। इसकी माता कौन थी? ये किस धर्म को भद्रसार किसने कहा गया? असी से सीरिया का एक नरेश कौन था? उसने एक राजदूत भेजा डाइमेकस को, किसका उत्तराधिकारी कहा गया? एंटीओकस से बिंदुसार क्या मांगा था? दार्शनिक मतलब फिलोसफर, मतलब जो दूरदृष्टि रखते हो, चीजों को बारे में स्पष्ट करते हो, आडंबर क्या है कर्मकांड से दूर उसको अलग करके बताने वाला जो सही रास्ता होता है उसी को दार्शनिक बोला जाता है। जैसे सुकरात थे ना दार्शनिक, वो पढ़े लिखे न के बराबर थे लेकिन बहुत भयंकर दार्शनिक थे। उन्होंने हर एक प्रकार के बलि को, जितने भी धर्म में बलि होते हैं, सभी धर्म में बलि होता है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में अपना अपना तरीका है, सब में आडंबर है। तो वो उनको जहर देकर मार दिया गया था क्योंकि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने सही चीज को बताया था। अरे बात समझ में। तो सीरिया में दार्शनिकों का लेन देन नहीं होता था इसलिए उसने दार्शनिक नहीं दिया। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में क्या हुआ था? जिसको दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? लेकिन विद्रोह दब नहीं पाया तो किसको भेजा? छोटा बेटा अशोक को। अशोक उस समय कहाँ का राजभवन था और उसने क्या किया? विद्रोह को। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक में श्रीनगर का संस्थापक किसे बताया है? और बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तब गद्दी पर कौन बैठता है? क्लियर है सर? हाँ। क्या करेगा, सब बेटा लायक नहीं ना होता है। नहीं समझे बात को, छह गो भाई है तो छह भाई थोड़ी लायक होता है। सर, वो में से निकल जाए। जिंदा आया था, जिंदा आया था, जिंदा आया था। कुछ बोल रहे हो बिंदुसार को अमित घाट ही कहा था ना? बिंदुसार को अमित घाट भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, ठीक है ना। बिंदुसार को अमित घाट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अशोक के बारे में। अशोक सम्राट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अशोक सम्राट मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। अशोक मगध की गद्दी पर 270 ईसा पूर्व में बैठता है, ठीक है। अशोक की माता शुभद्रांगी थी, ठीक है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में उन्हीं नामों का जिक्र होता है जिनसे संबंधित इतिहास में बीते हुए समय में बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। पहले के राजा महाराजा लोग चार गो पांच गो आठ गो ब्याह करना आम बात था, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे जो जरूरी है, ठीक है ना। उतना डिटेल्स में नहीं जाना, उनके पारिवारिक झमेला में नहीं जाना है, हमको इतिहास पढ़ना है ना।
आप देखिए इनकी माता कौन थी, अशोक को अशोक मौसकी तथा गुर्जरा अभिलेख में कहा गया है। गुर्जरा अभिलेख आ रही बात समझ में, कहने का मतलब है कि गुर्जरा तथा मौसकी जो अभिलेख है ना उसमें अशोक को अशोक नाम से जाना गया है, अशोक के कहा गया है। ठीक है, वैसे पुराण मंत्र समझ रहे ना जी, पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का एक और नाम है देव नाम प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता है, अशोक वर्धन भी अशोक को जाना जाता है, और अशोक को अशोक मौसकी तथा गुर्जरा भी कहा गया। यहाँ तक क्लियर है? अशोक के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था। कौन सा राजदूत? बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछेगा कि एंटीओकस जो राजा था, एंटीओकस है ना, तो डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में, और डायनेसियस नामक अशोक के दरबार में आया था। क्लियर है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर है ना? तीनों स्पष्ट हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, और अशोक के दरबार में डायनेसियस। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो ऐसा कहा जाता है कि बैठने से पहले उसने 99 भाइयों की हत्या किया था। 99 भाइयों की हत्या किया था। 99 भाई की क्या किया था? हत्या किया था। ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या किया जाता है, क्योंकि अशोक भी प्रारंभ में क्रूर शासक ही था, इसलिए उसने 99 भाइयों की क्या किया था? हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। और राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्ष के बाद यानी 261 ईसा में, अरे मत बंद करा करिए उसको, 261 ईसा पूर्व में, बात नहीं, 261 जब ये गद्दी पर बैठा उसके 8 वर्षों के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में क्या किया इसने? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, यानी कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली, और कलिंग है कहाँ? उड़ीसा में। आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्देश्य हाथी प्राप्त करना था। ठीक है ना? इस कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ, बहुत ज्यादा, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है, इतना खून बहा है कि आज भी कलिंग का जो भूमि है ना वो लाल है। ठीक है? तो इसने क्या किया कि कलिंग पर युद्ध किया और तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी अभिलेख में मिलता है। खारवेल के हाथी अभिलेख में किसका चर्चा है? कलिंग युद्ध का चर्चा। यहां तक स्पष्ट है? इसके पिताजी यानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तब इसने क्या किया कि आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के लोगों को गुफा दान में दिया था। तो कौन सा गुफा दान में दिया था वो देखिए। बराबर पहाड़ी में 4 गुफा बना हुआ है, एक है कर्ज, एक है चोपार, एक है सुदामा, एक है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, ये 4 वो गुफा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किसने गिफ्ट दिया था? अशोक। क्लियर है? अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। ठीक है? हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम महात्मा बन गया। उसने प्रण लिया कि आज के बाद किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, और आया तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से,
उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या किया, बौद्ध धर्म से दीक्षा ले लिया, यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी हो गया। लेकिन जब ये अनुयायी हुआ तो ये किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम भी मानो तुम भी मानो, ये खुद से माना और सबको मोटिवेट किया, मानिए तो ठीक ना तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके एक बेटा थे जिसका नाम है महेंद्र, एक पुत्र है इसका नाम है महेंद्र और एक पुत्री है संघमित्रा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 5 शादियां की थी, 5 गो। कौन सा? अशोक। लेकिन अशोके का इतना इतिहास बड़ा है, अशोक के सामने इसकी पत्नियों का कोई जिक्र ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए उनके उनके बारे में जानना ही नहीं। इसकी एक बेटी थी संघमित्रा, इन दोनों को जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तब कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि श्रीलंका जाओ और क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, हाँ श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किए। ये पहला ऐसा धर्म था जो अंतरराष्ट्रीय धर्म बना, यानी भारत से श्रीलंका गया प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा। यहाँ तक स्पष्ट है। जब इसके हृदय में परिवर्तन हुआ तो एक राजा था जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ईरान का एक राजा है जिसका नाम है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम सुने थे ना, हखमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम। तो हरियक वंश के सॉरी हखमनी वंश के राजा यानी इराक के राजा डेरियस प्रथम ने अभिलेख लिखा था अपने देश में, तो उससे प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखना प्रारंभ किया। तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखा, अशोक। आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रचलन किसने किया, अशोक ने किया। वो किससे प्रेरित हुआ था, किससे प्रेरित हुआ था, डेरियस प्रथम से। अशोक ने भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखा और वह किससे प्रेरित हुआ था, डेरियस प्रथम से। डेरियस प्रथम कहाँ का राजा है, यहाँ तक क्लियर है, आ रहे हैं हम अभी तो चल रहे हैं ना आगे। अभिलेख जब इसने लिखा तो उसने 4 लिपि का प्रयोग किया, एक ब्राह्मणी, एक खरोष्टी, एक ग्रीक और एक अरमाइक। ये 4 लिपि का प्रयोग किसने किया था, अशोक ने, किसमें, अभिलेख लिखने में, ठीक है। 4 लिपि का प्रयोग किया था, तो ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि भारत का था, खरोष्टी पाकिस्तान का, पाक मैंने समझ रहे ना, ग्रीक अफगानिस्तान, ग्रीक का था, अरमाइक, अरमाइक ये कहाँ का था, अफगानिस्तान का, बहुत अच्छे। ग्रीक तथा अरमाई कहाँ का था, अफगानिस्तान का। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है, अशोक के अभिलेख को कितने भाग में, 3 भाग में। 3 भाग कौन कौन है, एक है शिलालेख, एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और एक है गुहा लेख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, शिलालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख मतलब पत्थर को लिखते हैं, हाँ हाँ, शिला सील माने होता है पत्थर, ठीक है ना, और अभिलेख का मतलब होता है आप लिखा हुआ, ठीक है ना, उसको आप पत्थर पे भी लिख सकते हैं, पेज पे भी लिख सकते हैं और धूल उर पे भी, कार पे भी लिख सकते हैं, डस्ट लगा हुआ रहता है, लिख देते हैं, तो अशोक के जो अभिलेख है उसको कितने भाग में बांटा गया है, 3, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। क्लियर है यहाँ तक। अशोक के जो शिलालेख है यानी अभिलेख कह सकते हैं आप, अशोक के जो अभिलेख है उसको सर्वप्रथम खोजा गया था 1750 ईस्वी में पी पैंथलर द्वारा, पैंथलर, ठीक है ना, पी मतलब पटरोधी होता है लेकिन आप सीधे पी पैंथलर याद रखिएगा, पी पैंथलर। ये खोजा गया था, सर्वप्रथम क्या किया गया था, खोजा गया था, पढ़ा नहीं गया था, पढ़ा 1837 में गया था, पढ़ा 1837 में गया था, सर्वप्रथम पढ़ा गया था ना, किसके द्वारा, जेम्स, जेम्स
प्रिंसेप के द्वारा। यहाँ ठीक है यहाँ तक? प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अब जो शिला लेख है ना मेरे भाई, ये 14 गो है, ठीक है, ये कै गो है? 14 गो है। और ये स्तंभ लेख 7 गो है। गुहा लेख के बारे में 9 के बराबर पढ़ना है, क्लियर है? दो चीज पढ़ना है आपको, शिला लेख और स्तंभ लेख। शिला लेख की संख्या 14 और स्तंभ लेख की संख्या 7। यहाँ तक स्पष्ट है? स्तंभ मैंने पूरा स्तंभ गाढ़ा हुआ है, स्तंभ नहीं समझते है, स्तंभ है पिलर नहीं होता है, पिलर समझिए, ऐसे लंबा सा बहुत सा बड़ा पिलर है उसको स्तंभ लेख बोले, और शिला मतलब हुआ पत्थर पे लिखा, ठीक है, गुफा में लिखा हुआ है, कोहबर में, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार, इसके बाद चलते हैं हम लोग स्तंभ लेख में और शिला लेख में, ठीक है। अशोक मंडल की गद्दी पर कब बैठा? माता कौन थी? अशोक को अशोक किस पुराण में क्या कहा गया? इसका एक और नाम क्या है? इसके दरबार में कौन सा राजा? कौन? फिलाडेल्फस। किस राजदूत को भेजा था? राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में इसने कहां आक्रमण किया था? कलिंग पर। कलिंग कहां है? कलिंग की राजधानी कहां है? तो उसी पर अधिकार कर लिया। यह उल्लेख खारवेल के किस अभिलेख में मिलता है? और इसी अभिलेख में कहा है कि उस समय जो कलिंग था ना वहां पे नंदराज का शासन था, वहां का राजा कौन था? नंदराज था। कलिंग का राजा उस समय कौन था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इस वजह से अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को कई गुफा दान किया? 4। कितने गुफा दान किया? 4। और वो बराबर पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ी में? बराबर पहाड़ी में 4 गुफा है। कौन कौन? यहाँ तक क्लियर है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में क्या हो जाता है? हृदय में जब परिवर्तन होता है तो उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या करता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने एक पुत्र कौन और पुत्री श्रीलंका भेज देता है, भेजता है ना, श्रीलंका भेज देता है। अशोक अभिलेख लिखवाना प्रारंभ करता है, और इसकी प्रेरणा उसको कहां से मिलती है? ईरान के साथ साथ डेरियस प्रथम से जो हक्मानी वंश से संबंध रखता है वहां से वो लेता है। अभिलेख में कितने लिपि का प्रयोग करता है? 4। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और ठीक है, ब्राह्मी भारत में, खरोष्ठी पाकिस्तान में, ग्रीक तथा अरामाइक अफगानिस्तान में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है। शिलालेख 14 है, स्तंभ लेख 7 है, और गुहा लेख नहीं पढ़ना है, 9 के बराबर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा किसने था? सी बेंटलर ने 1750 में, और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप। यहाँ तक क्लियर है? आपको नहीं दिख रहा है? आप यहाँ गोलू के बगल में बैठ जाइए, बेंच है ना खाली गोलू, हाँ तो इधर बैठिए ना महाराज। चलिए यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख देखिए, क्लियर, हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, ये 14 शिला लेख है ना जी, शिला लेख पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां। यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, दिख
इसमें आ रहा है ना, ठीक है कोई नहीं, चलिए या देखिए क्या वो है, 14 वो है, पहला दूसरा समय क्या है 14 तक। अब इसमें क्या क्या है उसके बारे में आपको जानना देते, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो सीरा लेख है उसमें कहा गया है कि पशुओं की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, पशु की निंदा नहीं, पशु बलि की निंदा, यानी पशुओं की हत्या नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा में कहा गया है कि मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, एकदम परेशान मत होइए, अभी तुरंत याद हो जाएगा, 14 याद हो जाएगा, ठीक है। भुलाना नेचर है, नहीं भुलाइएगा तो माइंड फट जाएगा, ठीक है। तीसरा में कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत, वर्ष के उपरांत दौरा पर जाएं, नए क्षेत्र भ्रमण करिए, देखिए कि क्या समस्या है। चौथा में कहा गया कि भेड़ घोष का धर्म घोष में परिवर्तन, अच्छा आ जाएगा, अभी परेशान ना होइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, धर्म घोष भेड़ घोष सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। भेड़ घोष का धर्म घोष में परिवर्तन। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, मात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा में कहा गया कि आत्म नियंत्रण। सातवा और आठवा कंबाइंड है, इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन है, ठीक है ना। ये सारा कहानी अशोक का रहा है जी, शिलालेख के माध्यम से अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन है, तीर्थ यात्रा का।